हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ राजस्थानी स्पेशल बाटी। ये हमारे राजस्थान की स्पेशल है, इसको राजस्थानी बाटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसकी बिल्कुल ना करे तो यहाँ लिया मैंने आटा, इसमें डाल दूंगी मैं स्वादानुसार नमक। ये नमक डाल दिया है, अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा अजवाइन। हथेली पे इस तरह से अच्छा सा थोड़ा क्रश करके फिर डालेंगे। अब इसमें डालूंगी मैं चुटकी भर या थोड़ा सा खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, और अच्छे से मिक्स करके आटे को इसका आटा गूंदेंगे। तो इस तरह इसका बढ़िया सा मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें थोड़ा सा तेल वो डाल के मोइन दे देंगे, जिससे बाटिया थोड़ी खस्ता बनेगी। तो ये मैंने खाने वाला तेल डाल दिया है थोड़ा सा, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से बड़ा मिक्स करेंगे, ये अपना तेल भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसका आटा गूंद लेना है। तो ये आटा मैंने गूंद के तैयार कर लिया है। आटा बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ना ढीला ना ज़्यादा गाढ़ा, और इस तरह से इसके राउंड शेप में हाथ को घुमाते हुए बाटी बनाएंगे। तो ये अपनी बाटी बन के तैयार हो गई है। इसी तरह मैं आपको एक बाटी और बना के दिखाती हूँ। इस तरह आटा लेना है और इस तरह हाथों से घुमाते हुए गोल शेप की बाटी बनाएंगे। बिल्कुल गोल भी नहीं रखनी है, थोड़ी चपटी रखनी है इस तरह। तो ये बाटी बनके तैयार हो चुकी है। इस तरह सारे आटे की बाटी बना लेंगे। तो ये मैंने सारे आटे की बाटी बना के तैयार कर ली है। अब इधर ओवन चढ़ा दिया था मैंने, इसमें जम रख देंगे इन बाटियों को, एक एक करके सारी बाटियों को इसमें रख देंगे और ओवन में बाटी सेकेंगे हम। तो सारी बाटियों को मैंने ओवन में रख दिया है। अब ढक दूंगी इस ओवन को और थोड़ी देर बाद इनको फिर संभालूंगी। तो इस तरह से इनको पलट देना है। ये एक साइड अपनी सिक चुकी है, इनको इस तरह पलट देना है। तो इस तरह एक एक बाटी को करके सबको मैं इस तरह से पलट दूंगी। तो ये सारी बाटियों को मैंने इस तरह पलट दिया है, ये देखिए। मेरे पास एक बाटी और बची थी तो उसके लिए मैं थोड़ा स्पेस कर दूंगी, रह गई थी इसमें नहीं आई थी तो मैंने छोड़ दी थी। तो उसको यहाँ थोड़ा स्पेस करके उसको भी यहाँ रख दूंगी। तो एक बाटी को भी मैंने इसमें रख दिया है इस तरह, और अब थोड़ी देर इनको वापस ढक देंगे। तो ये थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट बाद बार बार इसको इसी तरह चेक करते हुए, उलट पुलट करते हुए सेकते रहेंगे। 5 से 10 मिनट का गैप देना है और इस तरह बार बार उलट पुलट करते रहना है इनको, जब तक कि अपनी बाटी अच्छे से सक नहीं जाए। तो अब देखिए मेरी बाटियां फटने लग गई है, ये वापस मैंने ढक दिया है। थोड़ी बाद देर बाद फिर चेक करेंगे। तो ये देखिए बाटियां अच्छे से, सारी बाटियां फट चुकी है बढ़िया से। तो इस तरह बनाएंगे बाटी। थोड़ा सा और मैं इनको सेक लूंगी, दाग नहीं लगे इनके अभी, बाकी पक तो चुकी है ये, क्योंकि फट गई बाटी इसका मतलब अच्छे से पक गई है। तो थोड़ी देर और इनको ऐसे उलट पुलट करते हुए सेकूंगी मैं।
तो इस तरह बनाएं राजस्थान स्पेशल बाटी। राजस्थान की तो फेमस है बाटी, दाल और बाटी। और है भी बनाना बहुत आसान। तो ये सारी बाटियां मेरी अच्छे से चक चुकी है, अब इनको निकाल लूंगी मैं एक बर्तन में। और यहाँ एक कटोरी में मैंने घी ले लिया है और इनको इसी तरह गर्मा गर्म घी में चौपड़ लूंगी मैं इस तरह से फोड़ के। फिर घी में डुबोकर थोड़ा घी अंदर भी डाल देंगे। इस तरह बाटियों को अच्छे से चौपड़ लेंगे। बिना घी के बाटी का तो मजा ही नहीं आता है। तो इस तरह चौपड़ेंगे बाटी को बढ़िया। अब इसी तरह एक बाटी और मैं आपको चौपड़ के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो बाटी को इस तरह से फोड़ लेना है और इस तरह घी में डुबोएंगे। और ऐसे घी में डुबोकर अंदर भी घी डाल देना है ताकि जिससे बाटी भी अच्छे से घी पी ले। और इस तरह से दबाते हुए बाटी को बड़े चौपड़ लेंगे। तो इसी तरह एक एक करके सारी बाटियों को चौपड़ लेंगे। तो ये सारी बाटियां मैंने इस तरह से चौपड़ के तैयार कर लिए, देखिए बड़े। अब इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो मैं यहाँ इनको दाल के साथ सर्व करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आगे भी अगर मेरी रेसिपी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में नई रेसिपी के साथ।